प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स ये सब्जेक्ट जो है पढ़ रहे थे। तो इस सब्जेक्ट में अब तक आपने जो है कई सारे चैप्टर्स जो थे, आपके थ्योरेटिकल पार्ट जो था वो आपने देखा। इसके अलावा PYQ भी आप लोगों को मैंने दिया और ना जाने कितने चीज़ें मैंने इसमें आपको जो है इस कोर्सेज में इंक्लूड किया है। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, और बाकी तो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। क्वेश्चंस और आंसर्स वन बाय वन हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इंडिविजुअल लेवल फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्सनल वैल्यू। इन टेक्नोलॉजिकल थ्योरी ऑफ बिजनेस इथिक्स द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो ये आपका हो जाएगा यूनिवर्सलिज्म, एवरीवन हैज कंसिक्वेंस आर लाइक मैक्सिमाइजेशंस, और हिडोनिज्म। तो ये तीनों ही आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है यूटिलिटेरियनिज्म इज इन प्रोफेशनल एथिक्स इज, तो एक जजमेंट होता है ऑफ एन एक्शन बाय द कंसिक्वेंस ऑफ दैट एक्शंस। प्रोफेशनल हु ब्रीच द ड्यूटी ऑफ केयर आर लिएबल फॉर इंजुरीज एंड नेग्लिजेंस काउजेज। दिस लियबिलिटीज इज कॉमनली रेफर्ड एज, तो पर्सनल माल प्रैक्टिस, पर्सनल या प्रोफेशनल माल प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोफेशनल एथिक्स द डिग्री ऑफ सेफ्टी प्रपोज्ड टू बी अटेंड वेरीज विद, तो ये वेरी करता है आपका कॉस्ट ऑफ रिस्क, डिज़ाइन एंड यूटिलिटी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एट्रीब्यूट ऑफ प्रोफेशंस। तो द वर्क रिक्वायर्स सोफिस्टिकेटेड स्किल्स, यूज ऑफ जजमेंट एंड एक्सरसाइज डिस्क्रिशंस। आपका मेंबरशिप इन द प्रोफेशनल प्रोफेशन डज नॉट रिक्वायर एक्सटेंसिव फॉर्मल एजुकेशन एज वेल एज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सिग्निफिकेंट पब्लिक गुड रिजल्ट फॉर प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिवनेस टू बिजनेस इशूज इन कॉमर्शियल परफॉर्मेंस। तो टाइम सप्लायर रिस्पॉन्स टू प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कोड ऑफ कंडक्ट। तो दीज कवर जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल, ये आपका करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इथिकल वैल्यूज आर एसोसिएटेड विद सोशल सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोड ऑफ एथिक्स फॉर इंजीनियर्स। तो इंजीनियर्स के कोड ऑफ एथिक्स के लिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ पब्लिक आर द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। दूसरा है परफॉर्मेंस सर्विस ओनली इन द एरिया ऑफ दिस कॉम्पिटेंस इशूज पब्लिक स्टेटमेंट्स स्ट्रिक्टली इन एन ऑब्जेक्टिव एंड अवॉइड डिसेप्टिव एक्ट। तो ये सारे आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हु बिल्ट अ ब्रिज बिटवीन इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर। तो
यह है स्वामी विवेकानंद, द इथिकल स्किल इज, जो इथिकल स्किल होता है ये कोड ऑफ कंडक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफिशेंसी, पर सर्वेंस और पंचुअलिटी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका, व्हाट डज परजर्वेंस मीन्स, व्हाट डज परजर्वेंस मीन्स, डूइंग समथिंग डिस्पाइटेड डिफ़िकल्टी और डिले इन अचीविंग सक्सेस। अगला क्वेश्चन से आपका, द बेसिक इथिकल प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस स्टेट्स डैट, ये क्या बताता है? तो ये बताता है ऑल ओवर थाउट एंड एक्शंस मस्ट बी डायरेक्टेड टू इंश्योर डैट अदर बेनिफिट फ्रॉम दीज थाउट्स एंड एक्शंस। अगला क्वेश्चन है इथिकल इशूज, इथिकल इशूज डैट कैन अफेक्ट एन इंजीनियर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ आर टर्म्ड एज माइक्रो इथिक्स, उसको क्या कहते हैं, माइक्रो इथिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस क्वेश्चंस डज नॉट एड्रेस इथिकल इशूज व्हाइल मेकिंग पॉलिसी डिसीजंस, तो सही उत्तर हो जाएगा हाउ शुड द पॉलिसी डिसीजन रिफ्लेक्ट नेम एंड बेनिफिट ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स इन मेकिंग इथिकल जजमेंट, तो मोटिवेशंस फ्रॉम विच द एक्शन स्प्रिंग, दूसरा है नेचर ऑफ द एक्ट इटसेल्फ इंक्लूडिंग मींस एडॉप्टेड और रिजल्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस, तो सभी सही हो जाएंगे, तीनों आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इंफॉर्मेशन इज यूज्ड इन बिजनेस जनरली अननोन टू पब्लिक डैट कंपनी हैज बीन टेकन अ स्ट्रॉन्ग मेजर टू कीप कॉन्फिडेंशियल इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, ट्रेड सीक्रेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द मेन गोल ऑफ G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस, तो टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय गिविंग मोर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, टू लोअर द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और क्रिएट मोर ट्रांसपेरेंसी, तो ये तीनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइलेंट फीचर ऑफ पेटेंट एक्ट 1970, तो पहला जो है इट कोडिफाइज इन्वेंशन विच आर नॉट पेटेंटेबल, बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड फॉर इंडोर्समेंट ऑफ पेटेंट विद वर्ड्स लाइसेंस ऑफ राइट, ये भी सही है। इट प्रोवाइड्स फॉर रिवोकेशंस ऑफ पेटेंट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये भी सही है। इट हैज़ प्रोविजंस फॉर वैलिडिटी पीरियड ऑल्सो फॉर द पेटेंट्स, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑल आंसर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो सेशंस था ये आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। देखो डियर, जब तक आप अपने डाउट्स को हमारे चैट बॉक्स या जो चैट ग्रुप आपका है उस ग्रुप में आप मैसेज नहीं कीजिएगा कि हमें क्या दिक्कत हो रही है, हम कैसे आपको प्रॉपर तरीके से हेल्प करेंगे। हमको तो लगेगा कि मैंने जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किया है वो सारे के सारे चीज़ें सही हैं, इसलिए मैं आप लोग नहीं बता रहे, तो बताइएगा तभी जो है हमें पता चल पाएगा। ओके, तो मिलते हैं अगर कोई डाउट्स आता है तो, नहीं तो फिर क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करते रहिए। अपने एग्ज़ाम्स में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस लाइए, ये हमारी शुभकामनाएँ रहेगी। और डेफिनेटली अगर आप हमारे कोर्स में इनरोल किए हैं और जो कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, अगर ये कंटेंट आपको प्रॉपर तरीके से याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम्स में अच्छा मार्क्स आप कैरी कर पाएंगे। लगभग 65 से 70 नंबर का आपका एग्ज़ाम्स होता है, उसमें 60 से 65 आप इजीली अचीव कर सकते हैं जो कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया है। क्योंकि मैं खुद से पढ़कर जो है उतना नंबर ला पाया हूं, तो ऑब्वियसली जब मैं आपको गाइड कर रहा हूं, आपको प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूं, तो ऑब्वियसली आपका और बेस्ट नंबर आना चाहिए। क्योंकि मैं भी आपके जैसा स्टूडेंट था जब मैं पढ़ता था, और उसमें भी ये कंटेंट अवेलेबल नहीं थे, और उसमें मैंने कंटेंट गूगल यूट्यूब और न जाने कहाँ कहाँ से मैंने सर्च किया और प्रॉपर तरीके से इस कंटेंट को तैयार किया है। तो डेफिनेटली ये कंटेंट आपके लिए भी जो है हेल्पफुल रहने वाला है। अगर पिछले साल लगभग
100 प्लस स्टूडेंट जो है हमारे साथ ज्वाइन करके इस कंटेंट को ग्रैब किए हैं और पिछले साल कई सारे लोग पास भी किए हैं लगभग, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे ना तो आप आराम से एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। बस आपके अंदर एक प्रॉपर जुनून होना चाहिए कि नहीं हमको बस पास होना है सेमेस्टर एग्ज़ाम्स को, तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।